ठोकर लगने से डरना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को ठोकर लगने से कभी डरना नहीं है, बल्कि उससे कुछ नया सीखना है। ठोकर लगने से डरना नहीं है बल्कि कुछ नया सीखना है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर जो है ना हमें कुछ सिखाती है, नया कुछ सिखाती है, नया कुछ सोच देकर जाती है ठोकर लगने से। हम क्यों कहते हैं सो देखिए, ठोकर ही जो ऐसी चीज है जो हमें समाज के बारे में अच्छाई और बुराई का सीख देती है। अगर हम जैसे काम करते हमारा ठोकर लगता है हमें, तो हम समझ लेते हैं वह काम नहीं करना है, उससे हमें सीख मिलता है, बल्कि नहीं बार बार हम जाएंगे वही काम करने के लिए। जैसे कि अभी के फिलहाल में जो है एक घटना हुआ, मालूम वह भी इस व्यक्ति को ठोकर ही लगा, जिस तरीके से SDM बना, कौन, एक लड़की यानी एक महिला, कौन, ज्योति मोरिया। ज्योति मोरिया जो है SDM बन गया, उसके पति जो है क्या किया, इसके लिए अपना जमीन बेच करके पढ़ाया, बैंक से लोन लिया, उसके पढ़ाई को पूरा करवाया, कर्जा लेकर के उसके पढ़ाई को पूरा करवाया। अब पढ़ करके जो है ज्योति मोरिया क्या बन गया, SDM बन गया। क्या बन गया, SDM। और SDM बनते ही क्या किया उसने, क्या किया उसने, अपने पति का साथ छोड़ करके किसी गैर मर्द के साथ जो है उसने संबंध बनाया। वो अपने पति के ऊपर जो है क्या कर दिया, मुकदमा ला दिया कि दहेज प्रथा के ऊपर। अरे भाई, दहेज प्रथा के ऊपर उसको लादना ही था, जिसमें उसकी शादी हुआ, विवाह हुआ, उसमें करवाते ना, कि पूरे सपना उसके पूरा हो गया, पढ़ लिख लिया, SDM बन गया। उसके बाद जो है उसने क्या किया, अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। उसके पति कितना कष्ट सह करके, एक सफाई कर्मी था, उसने जो है उसको पढ़ाई करवाया। तो देखिए इस व्यक्ति को क्या मिला, यहाँ से इस व्यक्ति को ठोकर लगा और इससे उसको सीख मिला, और इसी सीख से क्या हुए, बहुत से अभी जो है ना शादीशुदा व्यक्ति क्या किए, अपने अपने पत्नी को जो है बुला लिया घर, बुला रहे हैं, कोई पढ़ाना चाहेगी लड़की को, नहीं चाहेगी, क्योंकि लड़की सब क्या कर रहे हैं, देखते हैं आप ज्योति मोरिया को ही देख लीजिए ना, शादी किया, काम पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके पति पढ़वाया लिखवाया, SDM जब बना तो क्या किया, पति को ही जल आत्मार के साइड कर दिया, जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, हम दूसरा शादी करेंगे, ये सब होता है ना। तो इससे लड़के सबको भी क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सबक मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जो भी जो है शादीशुदा लड़की सब किसी भी चीज की तैयारी कर रहे थे, चाहे SDM के, चाहे जो है कोई भी सरकारी पद के लिए, उसके पति वापस घर बुला रही है, चले आओ, क्योंकि अभी जो है ना इस समय जो है इस देश में बहुत जो है घटना घट रही है। पति से रुपया ले लेती है पढ़ने के लिए, अगर शादी होने के बाद क्या कर देता है, छोड़ के चली जाती है, अपना घर बेच करके, अपना जो है जमीन बेच करके देंगे, पढ़ाई करवाएंगे, उसके बाद हम ही को छोड़ के चले जाओगे। देखिए ये सोच होना चाहिए लड़की के ऊपर, जो इतना कष्ट सह करके हमको पढ़ाया, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, किसी गैर मर्द के साथ कैसे हम अपना संबंध स्थापित करेंगे, उसका सोच होना चाहिए। अरे SDM ना बन गया, लेकिन लड़की का बुद्धि कहाँ रहता है, घुटने के नीचे, लड़की का बुद्धि कहाँ है, घुटने के नीचे, उसको कुछ सोचने की जो है ना अकल नहीं है, ये ससुरी सब अपने आप को ज्यादा चालू समझती है, और जिस दिन लड़का सब जो आ जाएगा ना उस पर संभ रखा होगा कि नहीं, तो देखिए तो इससे जो है बस के रहना चाहिए, समझे ना। और लड़के सब को भी कह रहे हैं, जब तक पढ़ाई करते हो ना तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर, पढ़ाई के अलावा जो है ना इधर उधर पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि छोटा सब पढ़ता है, और अभी से इसमें रहोगे तो समझ लो क्या होगा। और लड़की सबको कहते हैं कि ऐसे मत कीजिए, ऐसे के जो है लड़के सब जो है जिनकी से खिलवाड़ नहीं ना कीजिए, क्योंकि अरे भाई जानते हो ना कितना कष्ट होता है पढ़ाने लिखाने में, कितना खर्च आते हैं, कोई पद पर चले जाते हो तो क्या हुआ इससे,
क्या आप भूल जाओगे? तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सोच करके काम कीजिए, जिससे कि आगे भी जो है लड़की सबके लिए दरवाजा खुला रहे। ये इस तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, और मतलब शादी होने के बाद पढ़ाएगा लिखाएगा लड़की को? नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा, क्योंकि सब जान जाते हैं कि आगे वाले आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्यों ना हमी को छोड़ के चला जाएगा। रुपया खर्च होता है, रुपया खर्च करते हम और ले जाएगा कोई और। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, समझे ना। लड़की सबसे ज्यादा निवेदन है कि ऐसे खिलवाड़ मत कीजिए, समझ गए ना। अरे SDM बन गया ज्योति मुर्गिया, लेकिन बुढ़ी का घुटने के नीचे है। बराबर कहते हैं कि लड़की के घुटना बुढ़ी जो है घुटना के नीचे रहते हैं, बात सही है, साबित तो करके दिखा देते हैं लड़की सब, समझिए ना, क्या उसके पास खुश नहीं रह पाते हैं। चलिए कोई बात